राजस्थान के पाली जिले के बिरामी टोल प्लाजा पर परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बड़े ही गंभीरता से लिया है। मंत्री कुमावत ने इस संबंध में समीक्षा बैठक कर परिवहन विभाग के अधिकारियों को जबरदस्त फटकार लगाई। गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा अवैध वसूली के वीडियो पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसको लेकर मंत्री कुमावत ने बैठक में मौजूद परिवहन विभाग के अधिकारियों को अवैध वसूली बंद करने की हिदायत देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इसी क्रम में उन्होंने सुमेरपुर और तखतगढ़ में चल रहे अवैध स्पा सेंटर पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सुमेरपुर से संवाददाता अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। खोद के रख दी, लेकिन वो ठेकेदार अभी काम नहीं कर रहा, वो भी पूरी टूटी हुई है। बाबा से आगे, बाबा से गुड़िया रोड में एक डेढ़ किलोमीटर है सड़क है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए, तो पैदल भी नहीं चल सकता, ऐसी ऐसी स्थिति है। अभी ये खिवांदी रोड है ना, खिवांदी में आप जाओगे तो खिवांदी मतलब पूरा गाँव के अंदर भी सड़क पूरी टूटी हुई है। तखतगढ़ रोड में जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए। वो पीडीए साहब बैठे हैं ना, पीडीए साहब जैसे पंचायत को एक पावन करो कि वो जो पानी है ना, घरों का पानी रोड पे नहीं आए, नहीं तो वो